लगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ नेत्रहाट और नेत्रहाट की वादियों में घूम रहा हूँ और ये देखिए सब तरफ जो है ना धुंध छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि कश्मीर के वादियों में हम घूम रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं नेत्रहाट का। और ये देखिए यहाँ पर पाइन का पेड़ है, पाइन का पेड़ दिखाई दे रहा है बहुत खूबसूरत। और पेड़ के पास चारों तरफ कोहरा दिखाई दे रहा है और ये कोहरा ऐसा लग रहा है कि ये कश्मीर में है। बहुत मजा आया, क्या बढ़िया जगह है, मनाली जैसा लग रहा है। अगर सस्ते में बहुत कम पैसे पे आपको आनंद लेना है मनाली का तो यहाँ पर जरूर आइए नेत्रहाट, यहाँ घूमने के लिए बहुत जगह है। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी बहुत हम लोग को घूमना है। Thank you.
और वीडियो खींचा गया। कहाँ जा रहे हैं आगे भैया? किधर चलेंगे? यही वो अति वाला सनराइज वाला। अच्छा वहाँ से? हाँ, वो सनसेट जाके कोई फायदा नहीं होता, कुछ नहीं होगा। कहाँ पे देखो ना, कहाँ तक निकल सकते हैं? अपर थोड़ी भी कोयल व्यू पॉइंट सनराइज, यही सनराइज बेचारा सनराइज है। अबे ढक्कन तो पैर किस पर तक?
ये देखिए, ये चिकन बन रहा है, बहुत ज़ोरदार जायका इसमें मिलाया जा रहा है। हमारे पास एक उस्ताद खाना बनाने वाला कुक है, आप देख सकते हैं बहुत लगन और मेहनत के साथ खाना बना रहे हैं। और ये मुर्गा का टांग भी दिखाई दे रहा है, और एक है बाल संवारने में लगा हुआ है। और इधर नया डिश कुछ अलग तरीके, अच्छा इधर अलग कुरकुरे भी दिखाई दे रहा है, कुरकुरे और ये कबाब के लिए केक भी कटेगा। किसी का बर्थडे भी है क्या? और ये अश्विन है, मुस्कुरा रहा है। ये इसको बोलते हैं दोना, दोना और गांव में इसको बोलते हैं सोडा, सोडा सोडा। तो ये देखिए, ये लोग सोडा भी यहाँ तैयार कर दिए, और यहाँ पत्तल भी बन रहा है। लगता है आज पत्तल में खाना खाने का आनंद लेना पड़ेगा। और इधर बिटिया भी कुछ धो करके ला रही है। तो ये बहुत जल्द हम लोग का खाना तैयार हो जाएगा, लगभग 15-20 मिनट में खाना बन के तैयार हो जाएगा। हम लोग खाएंगे, उसके बाद अपर घघारी की ओर बढ़ेंगे। अभी बहुत सारा नेत्रहाट में देखने का पॉइंट है, हम लोग देख नहीं पाए हैं, और एक एक पॉइंट आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए वीडियो चैनल के साथ। ये दोनों गाड़ी है जिसमें हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये क्वीन है, ये ब्लेसी है, और वो ब्लेसी है दौड़ रही है। और ये देखिए पानी, ये ऊपर से पानी आ रहा है, और यहाँ बहता पानी धीरे धीरे इधर नीचे लोअर घाघरी की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पत्थर हैं, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ घाघरी में जाने के लिए ये रास्ते हैं, यहाँ से आप पानी देख सकते हैं जा करके, ये रास्ता है, और एक रास्ता इधर है। लेकिन ये रास्ता काफ़ी एडवेंचर की तरह है, और काफ़ी मेहनत और मुश्किलों का सामना करते हुए लोग यहाँ जाते हैं। ये रास्ता है, मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ लोअर घाघरी। हालांकि यहाँ से दिखेगा नहीं पूरा फॉल, आपको लोगों को दिखलाने के लिए मुझे इस पहाड़ी में चढ़ करके, इस पहाड़ी के पीछे से हो करके ट्रेकिंग करते हुए नीचे जाना पड़ेगा, तब जा करके पानी ऊपर से गिरते हुए दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी नीचे खाई है, यहाँ पर बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो पानी दिखाई दे रहा है हल्का सा एक जगह। आप लोगों को पूरा पानी दिखाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा हमको। तो ये है, यहीं तक दोस्तों। मुझे डर लग रहा है कि मैं वहाँ आगे तक जाऊँगा तो खाई काफ़ी नीचे तक है, और जो गिर गया तो उसका बचना यहाँ मुश्किल है। मैं एक दूसरा रास्ता है वहाँ से जा रहा हूँ, ये पतली रास्ता पगडंडी पैदल जाने के लिए है। ये देखिए, बहुत सावधानी से यहाँ पर जब भी आप आइएगा तो चलिएगा, कहे कि ये पत्थर में आप फिसल कर गिर सकते हैं, गिरने से आपको चोट पहुँच सकती है। ये देखिए, ये पत्थर है, मैं यहाँ जंप करूँगा, ये जंप हो गया। अब देखिए, ये मैं बहुत पानी के करीब पहुँच चुका हूँ, और आप लोगों को ये लोअर घाघरी दिखा रहा हूँ। ये देखिए पानी गिर रहा है, हालांकि दोस्तों ये बहुत छोटा, बहुत मुश्किल से 4 फीट से पानी गिर रहा है। ये पानी आ रहा है नीचे ऊपर से, और ये नीचे की ओर जा रहा है।
एकदम हम आप लोगों को बताए कि ट्रैकिंग करके ऊपर से जाएंगे तो नीचे जाना पड़ेगा, तब ऊंचाई से गिरते हुए पानी को आप लोगों को दिखा पाऊंगा। अब देखिए कोशिश करता हूँ नीचे जाने का, देखता हूँ कितना कठिन है वहाँ तक जाना, अगर मुझे हिम्मत जुटा पाया और वहाँ तक जा पाया तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए मैं नीचे बहुत मुश्किल से जा पा रहा हूँ, ये है पानी, बहुत करीब से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इधर पूरा पत्थर ही पत्थर भरे हैं और छोटे छोटे पेड़ यहाँ पर भरे हुए हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल सफ़ेद पानी दिखाई दे रहा है, पारदर्शी है पानी। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी नीचे पानी बह रहा है और कहते हैं बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है, बहुत नीचे तक जाना बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों, शायद मैं नहीं जा पाऊँगा। आप लोग यहीं से देख लीजिए नज़ारा, देखिए आगे पहाड़ी है, काफ़ी ऊंचाई तक पहाड़ी गया है और नीचे ये खाई दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट है, आप यहाँ पर पिकनिक का आनंद ले सकते हैं, अपने परिवार के साथ ज़रूर आइए। यह करीब करीब 9 किलोमीटर है नेत्रहाट से, नेत्रहाट का जो मेन चौक है वहाँ से करीब करीब 9 किलोमीटर यहाँ तक आना पड़ेगा। लोअर घाघरी के ऊपर में प्राकृतिक छटा और इसकी सुंदरता देखते ही बनता है, चारों तरफ हरे भरे पेड़, लंबे लंबे साल वृक्ष और आम वृक्ष भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और भी कई तरह के पेड़ पौधे, बहुत ऊंचे ऊंचे इसके तने हैं और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। इतने सारे पेड़ है जिसका नाम मैं नहीं जानता और यहाँ पर आदिवासियों में एक गुंगू बोलते हैं, गुंगू बनाने के लिए भी यहाँ पर गुंगू पत्ते, यहाँ पर उनके पौधे भी दिखाई देते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उस पत्ते को तोड़ करके गुंगू बनाया जाता है, छतरी, एक अलग तरीके से छतरी जिसको बरसात के दिनों में महिलाएं उपयोग करती हैं, छतरी भी बनाते हैं जिसके चरवाहा लोग उस छतरी को इस्तेमाल करते हैं और जब गुंगू को ओढ़ते हैं तो उसमें इतनी गर्मी रहती है, पानी तो जा ही नहीं सकता,